एवरीवन, वेलकम टू साईं कलाकृति। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेडिंग थालपोश, या फिर आप वेडिंग में किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसमें भी हम ये थालपोश का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने गोल्डन रिबन लिया है और इसकी हम कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस लॉकडाउन में अपने डेकोरेशन के आइटम्स बना सकते हैं, जबकि हमारे पास वो मटेरियल हो जो हमारे घर पे इस टाइम अवेलेबल हो। तो ये देखिए, इसमें मैं फैब्रिक यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसमें सिर्फ हम रिबन, और आगे आगे देखते जाइए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से रिबन्स की। अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ आप ले लीजिएगा। इसके बाद हमें एक स्क्वायर रेडी करना है, इसके लिए मुझे रिबन को अटैच करना है। तो मैं इसमें स्टेपल का यूज़ कर रही हूँ, तो स्टेपल कर रही हूँ मैं इसे। आप ऐसा कर सकते हैं, ग्लू गन भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं, और निडल और थ्रेड का, मतलब सुई धागे का भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ से इसे अटैच करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है, ये स्क्वायर हो गया है। अब हम इसे सिक्योर कर लेंगे टेप से। ये वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेप ले सकते हैं, बट मैं मैजिक टेप प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये टेप जो हमारा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ये उसकी गम जो है वो नहीं रिलीज़ होती है, इसलिए मैजिक टेप ज़्यादा बेटर है कोई और टेप यूज़ करने से। अच्छा, और अब देखिए, इसके बाद हमने मार्क कर लिया है इसे। ठीक है, मार्क करने के बाद जो मैंने और कटिंग की है स्ट्राइप्स की, रिबन की जो है, उसको भी हम इस तरीके से स्टेपल कर लेंगे। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस तरीके से इसे इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको इसकी साइज़ इक्वल रखना है, ताकि साइज़ इक्वल होगा तो अटैच आप सही से करेंगे और फिर आपका रिज़ल्ट भी अच्छे से निकल के आएगा। ठीक है, ये देखिए, एक तरफ से तो मैंने कर लिया है स्टेपल, अब दूसरी तरफ से हम इसको कर लेंगे कंप्लीट। ये बहुत छोटा साइज़ है, क्योंकि बड़ा साइज़ भी मैं आपको इसमें दो बताने वाली हूँ आइडियाज़। तो बड़ा साइज़ भी मैंने किया है, लेकिन वो कवर नहीं हो रहा था, इसलिए पहले मैंने आपको छोटे में ये बना के बताया कि किस तरीके से हम करेंगे। तो अब देखिए, अब इसको हम एक बार नीचे से लेंगे और एक बार रिबन के ऊपर से। ठीक है, जैसे क्विलिंग हम करते हैं इस तरीके से हम ले लेंगे। अब इसे भी हम दूसरी साइड से स्टेपल कर लेंगे। तो ये सेट हो गया है, इसी तरीके से ये दोनों भी हम कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो किस, मतलब कैसी लगी है आपको वीडियो। न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं डेली पोस्ट करती हूँ, अपलोड करती हूँ अपनी वीडियोस को। और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके मेरी न्यू अपलोड्स के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सिक्योर कर लिया है इसे। अब जहाँ पर ये जॉइंट आ रहा है, हम उसे फेविकोल से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको करने के बाद ऑल पिन से हम इसे थोड़ा फिक्स कर देंगे ऑल पिन से, ताकि ये सही से एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने जहाँ जहाँ फेविकोल यूज़ किया है वहाँ पर हमने लगा दिया है। देखिए, जब ये सूख जाएगा तो हमें ऑल पिन जो हमने फिक्स की थी, इसे हम रिवॉल्व करके निकालेंगे, ताकि ये एकदम से खिंच ना जाए। तो थोड़ा हल्के हाथ से रिवॉल्व करके हम इसे निकाल देंगे ऑल पिन्स को। और ये टेप भी है, इसको भी हम हटा देंगे। ये देखिए, चिपकेगी नहीं ये टेप। अब देखिए, अब मैंने एक लिया है सुई धागा। अब इसके लिए, इसको और डेकोरेट करने के लिए,
मैं पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ। ये मोती हमें इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। साइज़ आप कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसे देखिए, हम कॉर्नर से सुई हम लेंगे और इस तरीके से इसे हम लगाएंगे। देखिए, नीचे से लेंगे सुई हम, ताकि ऊपर जो है वो फिनिशिंग दिखे। धागा और धागे की नॉट जो है वो ऊपर से नहीं लेंगे, नीचे से लेंगे। ये देखिए, बैक साइड से, ठीक है। तो इसे अच्छे तरह से हम कर देंगे फिक्स, सुई धागे से पक्का कर लेंगे। और फिर इसी वे में हम इसे और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद इस पे हम पॉम्पम यूज़ कर रहे हैं। आप पॉम्पम की मेरी और भी वीडियोस हैं, उसमें भी देख सकते हैं किस तरीके से हम फिनिशिंग टच में पॉम्पम बना सकते हैं। ये देखिए, रेडी हो गई। छोटा सा एक डेमो था, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से हम इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये स्टोन्स, ये फ्लावर, इसमें टेक्सचर है स्टोन्स में। हम ये पेस्ट करके आप कुछ भी जो डेकोरेशन की आइटम्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मिरर भी इस पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है। और ये विदाउट क्लोथ हम एक थालपोश हमने रेडी किया है। आप इसे गिफ्ट रैप के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट रैप के तरीके से। तो चलिए, अब ये देखिए, ये दूसरा मैंने पहले से करके रखा था, बट ये कैमरे में कवर नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने एक छोटा सा डेमो दिया कि हम इसे रिबन्स को अटैच कैसे कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो है, इसका हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डेकोरेट करते हैं। तो ये सूख चुका है, इसकी पिंस मैंने हटा दी हैं। तो ये देखिए, इसके लिए जो है मैंने ये मोती लिए हैं, ट्रांसपेरेंट मोती हैं। इसको वैसे लोकल में इसको पोत कहा जाता है। एम्ब्रॉयडरी का जहाँ सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने थोड़े बड़े मोती लिए हैं। तो ये देखिए, सुई धागे से हम सबसे पहले ये जो छोटे वाले क्रिस्टल मोती, इसको आप कह सकते हैं क्रिस्टल मोती, तो ये जो हैं सबसे पहले मैंने लिए हैं 9, छोटे छोटे से हैं ये। तो ये 9 मैंने एक बार लिए हैं। उसके बाद मैंने सीक्वेंस लिया है ये, इसको मैं एक बार उल्टी तरफ से लूँगी, मतलब टॉप से, और फिर उसके बाद लूँगी एक बड़ा मोती, और फिर इसके बाद हम दूसरे डायरेक्शन से इसको सुई में लेंगे। जैसे ब्रैकेट में मोती बंद हो जाता है ना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद वही जो पोत के हमने मोती लिए थे, 8 या 9 मोती, आप उसी तरीके से लेके और फिर हम इसे अटैच करेंगे कॉर्नर से। ये देखिए, इस तरीके से। लेकिन फिनिशिंग का ध्यान रखना है, जो धागा वो नीचे से हमें उसको लेना है, धागे को, धागे की नोट को नीचे से, ऊपर से हमें हल्का सा धागा नहीं दिखना चाहिए, नीचे से दिखना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस, ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मोती जो थे वो फिनिश हो चुके हैं। तो ये मैं लॉकडाउन के बाद कंप्लीट कर लूँगी, बट आगे क्या करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। इसके बाद इस जहाँ जहाँ जॉइंट्स था रिबन का, जहाँ हमने स्टेपल किया था, तो वहाँ पे हम फेविकोल पेस्ट करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये वाइट स्टोन। ये सिंपल हैं, ये इसके ऊपर फ्लावर टेक्सचर नहीं है, ये मैंने प्लेन स्टोन लिए हैं वाइट। उसके बाद इसकी जो सेकंड रो है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ रेड स्टोन। ये रेड कलर के स्टोन यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए। थर्ड लेयर में फेविकोल लगाने के बाद, ये देखिए, एक एक ड्रॉप फेविकोल लगाना है। आप ग्लूगन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें हम ग्रीन स्टोन यूज़ कर रहे हैं,
ये देखिए कलर चॉइस आप अपनी ले सकते हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में हमें लगाना है ये आप देख लीजिए। तो ये मैंने इस रो में लगाए हैं ग्रीन, आप देख रहे होंगे वाइट सब ज़्यादा थे, रेड उससे कम और ग्रीन उससे कम। अब इसके बाद जो लेयर है उसमें हम लगाने वाले हैं पिंक कलर के स्टोन्स। ये देखिए इस तरीके से, ये लगाने के बाद अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट कलर, और ये लेने वाली हूँ मैं टर्कोइज कलर फिरोजी। इस तरीके से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए बाकी जो एरिया हमने जहाँ पे नहीं किया है हम इसे किस तरीके से करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले ये पिंक कलर के जो स्टोन्स लिए थे इसे हम इस तरीके से स्क्वायर में पेस्ट कर देंगे, एक छोटा स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद लेयर आ रही है ग्रीन की, तो इसे भी हम चारों तरफ से स्टोन पेस्ट कर देंगे। पहले मैंने फेविकोल लगा लिया है इकट्ठा, और उसके बाद हम ये ग्रीन स्टोन्स पेस्ट कर देंगे। गाइज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पहले 20 जो कमेंट्स करेंगे लोग उनके लिए होगा एक सरप्राइज़ गिफ्ट, और उसका अनाउंसमेंट हम लाइव करेंगे, एक लकी ड्रॉ निकलेगा और जो विनर होगा उसको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट हम कर लेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ हो सके तो मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए ये इस तरीके से अब कंप्लीट हो जाएगा, तो एक पैटर्न हो गया हमारा ये, और दूसरा पैटर्न मैंने आपको जो पहले बना के दिखाया था वो इस तरीके से। गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।